नेक्स्ट सर, पिछले साल नेपाल से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्रू आया था, वाइल्ड रिपर्स, टीम धर्मेश से. तो बिकॉज ही वेंट टू इंटरनेशनल, मैंने सोचा मैं भी इस बार थोड़ा चक्कर मार के आऊं. तो दिस टाइम मैं नेपाल गया और नेपाल से नेपालिक्स को लेकर आया हूँ. एक क्रू है जो बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग में अपना ट्विस्ट डालेगा. आई जस्ट होप कि उन लोग की जो जर्नी है जैसे वाइल्ड रिपर्स की थी वैसी हो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके लिए पेश करता हूं नेपालिक्स फ्रॉम नेपाल. ऑल द बेस्ट एंड इन 3, 2, 1 क्यू म्यूजिक. कैप्टन धर्मेश यार, वहां की क्या है यार, वहां पर जो तुम लोग ऐसे होते हो यार हर बार. थैंक यू सर. है ना, मैंने ऐसे सुना था कि लिरिकल हिप हॉप, आज लिरिकल फॉर्मेशन देख ली मैंने. मतलब आप जैसे वर्डिंग से उसके साथ फॉर्मेशन भी इतने अच्छे हो रहे थे एंड सडनली वो ग्रुप से एक दिन बाहर निकलता है एंड वो स्लाइड होके नीचे जाता है. एक एक चीज इतनी परफेक्ट थी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वाइल्ड रिपर्स थे ऐसे ही शो में आप लोग रहने वाले हो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये धूप से कौन निकल के आया था? ये क्या था? क्या नाम है आपका? संदीप. संदीप, बहुत अच्छा, आप धूप से निकले और गिरे भी. वेरी नाइस, मतलब फुल ऑन एक्सप्रेशन. धूप से निकला और चेहरा खिली गया, मेल्ट हो गया. सर अभी भी शर्मा ही रहे हो. रे 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 रे. बहुत शर्मा रहे हो तो. सर नेपोहोलिक डांस प्लस कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए? सर डांस प्लस बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने सोचा भी नहीं था हम यहाँ तक आएंगे. मतलब यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है सर. आपसे मतलब ऐसे बात करना कभी सोचा ही नहीं था. वेरी नाइस, जिनको देखो तो एकदम स्माइल पॉजिटिव एंड ऑलवेज. थैंक यू सर, थैंक यू सर. तो आई थिंक जो हम प्लस ढूंढ रहे हैं और एक लेवल अप की बात कर रहे हैं तो वो लेवल अप तो आपने. Watch it now.
एक बात और कहना चाहते हैं सर. सर हम रेमो सर और धर्मेश सर, शक्ति मैम, पुनी सर, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि यही वो शो है सर जो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म देता है इंटरनेशनल डांसर्स को भी. सर नेपाल के डांसर्स यहाँ तक आके और नेपाल को पहचान दिला सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखती है सर हमारे लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.